संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम में। समय सार परमागम की 68वीं गाथा चलानी है। 65, 66 और 67वीं गाथा में उन्होंने जीवस्थान जीव नहीं है ऐसा कहा था, और जीवस्थान के भेद गिना दिए थे जिन्हें अपन जीव समास कहते हैं। और इस 68वीं गाथा में गुणस्थान जीव नहीं है ये बता रहे हैं। जीवस्थान का अर्थ अम्बे चंद्राचार्य ने वर्णादि दिया, और गुणस्थान का अर्थ उन्होंने रागादि लिया। इस तरह वर्णादि और रागादि कहकर जो वो 29 प्रकार के भाव हैं वो जीव नहीं हैं, इस तरह से उपसंहार में उन्होंने कह दिया। अभी 68वीं गाथा अपन पढ़ते हैं कि जिसमें रागादि जीव नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा तो ये है गाथा में कि गुणस्थान जीव नहीं है, लेकिन उत्थानिका में लिखा है कि इससे यह नक्की हुआ कि रागादिक भाव जीव नहीं है, देखा ना, उन्हें उत्थानिका में लिख दिया कि इससे यह नक्की हुआ कि रागादिक भाव जीव नहीं है। इसके क्यों लिखा और गुणस्थान उन्हें क्यों लिखा इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। वो गुणस्थान अंत दीपक है और राग आदि दीपक है, तो इस तरह से राग से लेके गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वो सभी जीव नहीं है ये नक्की हो गया। मोहन कम मन सुदया दुमनिया दे में गुणा ठाणा ते कह हवंति जीवा। तो मोह कर्म के उदय से होने वाले जो गुणस्थान हैं वे नित्य ही अचेतन हैं ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो मोहम्मद सार में तो गुणस्थानों की परिभाषा में मोह योग भवा ऐसा लिखा है कि मोह और योग के निमित्त से होने वाली, और इन्हें यहाँ अकेला मोह कर्म के उदय से लिखा है, तो ऐसा समझ लीजिए 12 गुणस्थान की बात है। 13वां 14वां गुणस्थान वो योग के निमित्त की अपेक्षा से होता है, उसको यहाँ पर उन्होंने गौण किया और मोह कर्म के उदय से होने वाले ही उनको कहा, क्योंकि यहाँ मोह भाव से आत्मा को भिन्न बताना है। इसलिए गुणस्थान शब्द में रागादि भाव को ही लिया जो मोह कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं। तो गुणस्थान तो ऐसे भी हैं जो योग से इनके निमित्त से होते हैं, तो उनकी उपेक्षा करनी है, और बाकी के मोह कर्म के उदय से होते हैं उनकी अपेक्षा करनी है, उनने इसलिए ये बात लिखी। यहाँ जीवस्थान को वर्णादि के प्रतिनिधि और गुणस्थान को रागादि के प्रतिनिधि के रूप में लिया है। इस प्रकार वर्णादि और रागादि में अथवा जीवस्थानों गुणस्थानों में पूर्वोक्त सभी 29 भावों को समाहित कर लिया। जिस प्रकार जो पूर्वक जो ही होते हैं उसी प्रकार पुद्गल पूर्वक पुद्गल ही होते हैं, अचेतन अचेतन पूर्वक ही होते हैं। इस नियम के अनुसार मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक अचेतन मोह कर्म की प्रकृतियों के उदय पूर्वक होने से सदा पुद्गल ही हैं, अचेतन ही हैं, चेतन नहीं हैं, जीव नहीं हैं। गुणस्थानों का नित्य अचेतनत्व आगम से सिद्ध है। वे गुणस्थान भेद विज्ञानियों के चैतन्य स्वभावी आत्मा में सदा ही भिन्न उपलब्ध होते हैं, इसलिए भी उनका सदा अचेतनत्व सिद्ध होता है। ये सब लोगों के गले उतरे, इसमें बहुत कठिनाई है गाथा में। वैसे तो सीधी सच्ची बात है, उन्होंने कहा आगम में लिखा है कि ये अचेतन है,
अब आगम में ऐसे वाक्य भी मिलते हैं कि जिनमें इन्हें चेतन की पर्याय कहा है, है? फिर उसने कहा कि वेद विज्ञानियों को ये आत्मा से भिन्न उपलब्ध हैं, दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, माने इनसे भिन्न आत्मा दिखाई देता है, इसलिए हम इनको अचेतन कहते हैं। ये उनने हेतु दिया, ख्याल में? तो ये जो हेतु दे करके उनने ये बात सिद्ध की, और ये प्रश्न हरेक के चित्त में बहुत मजबूती से खड़ा होता है, होना चाहिए, खासकर मुमुक्षुओं को, क्योंकि जब मुमुक्षुओं के लिए दो द्रव्यों की भिन्नता कूट कूट के सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और दोनों के दीप में वज्र की दीवार है और निमित्त तो कुछ करता नहीं है, ख्याल में आए ना? तो उनको ये प्रश्न होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग निमित्त को कर्ता मानते हैं और निमित्त से ही सब होता है और कर्मों के उदय से ही सब होता है, उनके लिए तो ये के समय सार में भी लिखा है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके लिए तो उनके मन की बात है, लेकिन मुमुक्षुओं के गले उतरना बहुत है। और गुरुदेव श्री भी इस बात को गहराई से फीलिंग करते थे, इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव श्री का कोटेशन आपके सामने लाया हूँ। मैंने पहले भी एक दफ़े बताया था कि समय सार अनुशीलन में अथवा प्रयत्न सार अनुशीलन में दो तरह की के प्रमाण दिए हैं। दो तरह के प्रमाण दिए हैं, एक तो वे हैं कि जैसे कि जो गैर मुमुक्षु लोग हैं उन लोगों को जब तक आचार्यों के प्राचीन पंडितों के प्रमाण नहीं दो, करुणानि योग के प्रमाण नहीं दो, तब तक उनके गले बात नहीं उतरती है। यदि एक डिफेक्ट उन विरोधियों में है तो एक डिफेक्ट मुमुक्षुओं में भी है, और वो ये कि जब तक गुरुदेव का कोटेशन निकाल के नहीं बताओ इनके गले नहीं उतरती है। किसी भी आचार्य का बता दो, टोडरमल जी का बता दो, बनारसी दास का बता दो, है कि जो वो दुर्गुण हम में नहीं है उनको भी दुनिया में कहते फिरते हैं, और जो थोड़े बहुत हैं उन्हें बड़ा चढ़ा कर कहना तो उनका धर्म ही है। ऐसी मित्रों में भी एक खोटी आदत होती है, जो गुण हम में नहीं है उनका भी बखान करते हैं, और थोड़े हों तो उन्हें बड़ा बड़ा कर बखान करते हैं, इसलिए दोनों ही खतरनाक हैं। एक क्रोध के निमित्त हैं और दूसरे मान के निमित्त हैं, और कसाएं तो दोनों ही हैं। यदि बड़ा चढ़ा करके गुणों की प्रशंसा करेंगे तो मान पैदा होगा, और यदि निंदा करेंगे तो क्रोध पैदा होगा। तो जैसे वे शत्रु और मित्र दोनों ही समान है ना, ऐसे यहां भी यही है, दिक्कत है। ये किसी का गुण नहीं माना जा सकता, है तो कमी, लेकिन उस कमी को निकालना इतना हमारे हाथ में नहीं है, और हम दुनिया की कमी निकालें इसकी बजाय हम तो जो समझाना चाहते हैं वो बात दिए हैं, क्योंकि अभी निमित्त की मुख्यता से कथन है ना कि मोह कर्म के उदय से जो राग भाव हुए हैं तो वे उनके मोह कर्म हैं, वो जड़ हैं, आप समझे ना? तो गुरुदेव का कहते हैं ना समय साल में निमित्त का कथन नहीं है। यह कथन किस अपेक्षा से किया है? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि राग की रचना तो पर्याय में अपने विपरीत पुरुषार्थ से होती है, इसलिए राग का परिणमन स्वयं जीव का है, उसमें कर्म निमित्त है, कर्म निमित्त है अवश्य, किंतु निमित्त से राग नहीं हुआ, यह भी एक सिद्धांत है, यह भी एक सिद्धांत है, किंतु यहां दूसरे सिद्धांत की अपेक्षा से कहा है। मैंने एक ये सिद्धांत है, हमने पहले जो कहा है उस बात को काट कर नहीं,
उसे पूरा समझ करके एक तरफ गौण रखो, क्योंकि अब दूसरी अपेक्षा की बात चल रही है ना। राग का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा में अकर्ता नाम का ये गुण है, इस कारण राग करने का उसका स्वभाव ही नहीं है, इसलिए राग की रचना पुद्गल द्रव्य से होती है ऐसा कहा है। पुद्गल कारण है और राग उसका कार्य है, क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं। देखो यहां वस्तु के स्वभाव अर्थात चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि कराना है, तो इस दृष्टि से ये बात कही है। मैंने एक कल बात कही थी कि हम तो आपको अपेक्षा बता सकते हैं, ऐसा क्यों कह दिया, तो इसका जवाब अपेक्षा, इस अपेक्षा कहा है। अब आप नहीं माने, झगड़े, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, तो हमने बता दिया ना, वहां ये अपेक्षा थी यहां ये अपेक्षा थी है? यहां जीव उसे कहा है जो अखंड अभेद एक रूप चैतन्य घन स्वरूप है। इस चैतन्य घन स्वरूप आत्मा की दृष्टि करने से ही सम्यक दर्शन अर्थात धर्म का प्रथम सोपान प्रकट होता है। ऐसे शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए यहाँ राग रंग राग और भेद से भावों को पुद्गल की ही रचना है ऐसा कहा है। अब क्या गजब है कि वहाँ राग आत्मा का है, ये भी तेरी अपराध की स्वीकृति के लिए ये बात कहाई, स्वीकार कराई है। नहीं है तो फिर जरूरत ही क्या है सारे मोक्ष मार्ग की, यदि नहीं मानेंगे तो संसार का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और संसार मोक्ष संसार पूर्वक होता है तो मोक्ष का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और संसार का अभाव होगा तो संसार के कारण का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और मोक्ष का अभाव होगा तो मोक्ष के कारण का अभाव सिद्ध हो जाएगा। और ये चार तत्व है ना, इन चारों में सात तत्व आ जाते हैं, तत्व चार होते हैं, ये भी कभी सुना है आपने? सात तत्व तो सुने हैं और नौ तत्व तो सुने हैं, लेकिन तत्व चार होते हैं ये सुने कभी? मैं उनके नाम बताता हूं और आप अपने मन में उनकी हाँ और ना करना, मैं झूठ भी बोल सकता हूं, घबराना नहीं। तत्व चार होते हैं, संसार तत्व और संसार का कारण तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्ष का कारण तत्व, सही है? अरे भाई ये सम्बन्ध भद्र ने लिखे हैं, आप तुम्हें मानसा अर्थशास्त्री वगैरह में हैं, और समय समय सार में भी हैं, कुछ पुरातन सार हैं, अंत में जो पंचरत्न की गाथाएं है ना, उसमें एक संसार तत्व, एक संसार का कारण तत्व, एक मोक्ष तत्व, उसमें वहां भी है, ये भी एक अपेक्षा है। तो संसार तत्व में जीव जीव का संयोग दोनों आ गया, संसार के कारण तत्व में आश्रय बंध आ गया, पुण्य पाप आ गए, मोक्ष तत्व में मोक्ष आ गया और मोक्ष के कारण तत्व में समय नजर आ गए, इसलिए सात तत्व या नौ तत्व इन चार में शामिल हो जाते हैं। अब अपेक्षा जहां अलग अलग है उसकी अपेक्षा से हम बात करते हैं, तो वो चार तत्व क्यों कहे? जैसे मैंने अभी कहा ना कि ना संसार सिद्ध होगा ना मोक्ष सिद्ध होगा, और संसार के सिद्ध नहीं होगा तो संसार का कारण नहीं होगा, और मोक्ष सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष का कारण सिद्ध नहीं होगा। इस चार तत्व सिद्ध नहीं हुए तो सात और नौ तत्व भी सिद्ध नहीं होंगे क्या, यदि ये नहीं मानोगे राग आदि जीव की पर्याय है तो। अब यहां कहते हैं यहां अपेक्षा जुदी है, एक त्रिकाली ध्रुव को एक तरफ रख करके और बाकी सबको पर में डालना है, तो निमित्त की अपेक्षा जो निमित्त के साथ और अनुभव वितरक घटा रहे हैं और निमित्त के साथ में अनुभव वितरक व्याप्ति बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, क्यों उसका उसके ही साथ है, जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। यहां जीव उसे कहा है जो अभेद अखंड एक स्वरूप चैतन्य घन स्वरूप है, इस चैतन्य घन स्वरूप आत्मा की दृष्टि करने से ही सम्यक दर्शन अर्थात धर्म का प्रथम सोपान प्रकट होता है। ऐसे शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए यहाँ रंग राग और भेद के भावों को पुद्गल की ही रचना है ऐसा कहा है। यहाँ तो आत्मद्रव्य का पूर्ण स्वभाव बताना है, परंतु जब पर्याय की बात हो तब पर्याय में जीव स्वयं राग करता है
वो पुद्गल तो उसमें निमित्त मात्र है, ऐसा कहने में आता है। निमित्त से क्यों? पुद्गल पे ही, पुद्गल से द्वेष करने लगता है, इसने हमें राग करा दिया। अकेला निमित्त पुद्गल कर्म का उदय थोड़ी है, वो तो अंतरंग निमित्त है, फिर बहिरंग निमित्त है। वो आमने सामने वाले गालियां देने वाले गुस्सा कराने में निमित्त हो जाएंगे, अनुकूलता बरतने वाले राग में निमित्त हो जाएंगे, तो फिर उनसे राग द्वेष करने लगेंगे। वो समस्या खड़ी होती है तो कहते भैया कि तेरा भला बुरा तेरे कारण हुआ है, निमित्त ने कुछ नहीं किया है। वहां ये बात बताएंगे, और जो इसमें सत्य सत्य नहीं है, और आत्मा राग की पर्याय नहीं है, क्या ये सत्य है? आत्मा राग की पर्याय, राग आत्मा की पर्याय है ना, आत्मा में पैदा हुआ है क्या? नहीं। तो ये दोनों परम सत्य हैं, और दोनों परम सत्यों का सही जगह उपयोग आप करोगे तो उसका लाभ आप उठा सकोगे। जैसे मैंने कल या परसों कहा था ना कि हम एक को कभी एक को सत्य कहते तो दूसरे को झूठ कहने की परंपरा भी है, लेकिन मैंने कहा था एक त्रैकालिक सत्य है और एक तात्कालिक सत्य है। बोलते कि नहीं बोलते? तो किसी ने किसी के लड़के को गोद लिया, अब जिस माँ बाप ने वो गोद लिया वे उसके माँ बाप हैं कि नहीं है? बोलो क्या कर बताओ। यदि वे उसके माँ बाप हैं तो ये असली खड़े हैं जे क्यों नहीं? और दो माँ बाप एक हो सकते हैं किसी के? दो माँ कदाचित आप मान भी लो, एक असली एक सौतेली, दो बाप तो कोई नहीं मान सकता। किसी से दो बाप की कहो तो गाली समझी जाती है, क्यों है? और अब आप कहते हो कि वो जो जिनने गोद लिया है वो उनका बच्चा है कि नहीं है? है तो तुम कहते हो बच्चा ही नहीं है, तो 7 अरबों रुपया बिना बच्चा के मुफ्त में ही मिल जाएंगे। तो अब उसके बीच में कुछ है कि नहीं है? है? गोद के बच्चे को बच्चा कहना क्या नहीं कहना, दोनों अपेक्षाएं हैं। यदि वो वास्तव में बच्चा है तो गोद का क्यों बोलते हो? क्यों? और बच्चा नहीं है तो उत्तराधिकार में करोड़ों की संपत्ति क्यों मिल गई? तो ऐसे ही कहते हैं यहां पर दोनों अपेक्षाएं हैं। तो ये जो यहां बात चल रही है, कुछ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भिन्न बताना है, तो उन्होंने दो ही हमने दुनिया को बांटा, हमने आत्मा को चेतन कहा तो सारे जगत को अचेतन कहा, आत्मा को जीव कहा तो सारे जगत को अजीव कहा। आत्मा और देह के रूप में दो भाग किए तो आत्मा को आत्मा कहा तो देह में सारा संसार हमने गर्भित कर लिया, स्त्री पुत्र मकान नाजा नंगा देश गांव। और ऐसा है, बार बार ये बातें थोड़ी कही जाएंगी, हम एक दफे तुमको वो बता देंगे विधि, और वो विधि तुम समझ लो तो चाली तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। ये ऐसी बात है, तो एक बच्चे को 10 बजे स्कूल जाना है, अब 7 बजे से बेचारे को चिंता हो रही कि 10 ना बज गए, 10 तो नहीं बज गए, नहीं तो मास्टर जी बहुत नाराज होंगे। क्यों? तो 7 बजे पापा के पास, पापा अभी कितने बजे हैं? कि बेटा अभी तो 7 बजे हैं, कि स्कूल जाना है। कितने बजे? कि 10 बजे। फिर आधे घंटे बाद आया, पापा 10 बज गए। नहीं अभी तो 7:30 बजे हैं। फिर आधे घंटे बाद आया, बार बार आके पूछता तो बाप भी परेशान होता है, काम में डिस्टर्ब होता है ना, और बेटा तो परेशान हो ही रहा है। तो बाप उसे बतावे कि अभी कितने बजे हैं, बेटा तो यही पूछता है ना, इससे बढ़िया ये है ना कि बाप कहे कि बेटा 2 मिनट यहीं खड़ा रहे, अब मैं तेरे को घड़ी देखना सिखा देता हूं। ये छोटी सुई है ना, 1 घंटों की है, ये बड़ी सुई है ना, ये मिनटों की है, इससे तू निर्णय कर लेना, तेरा झंझट भी खत्म हो मेरा भी। तेरा क्यों? 7 बजे से ही तेरे को आकुलता हो रही है, यदि तू घड़ी देखना जानता होगा तो वो आकुलता तेरी खत्म हो जाएगी, कम तो हो ही जाएगी।
जब भी तेरे को विकल्प आएगा ऐसा देख लेगा और मेरी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जिनवाणी का अर्थ कैसे करना वो विधि आप सीख लो तो तुम्हारी झंझट भी खत्म और हमारी झंझट भी खत्म, नहीं तो तुम्हारे पास कदम कदम पर प्रश्न खड़े होंगे, वहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ तो ऐसा लिखा है, या यहाँ तो ऐसा कह रहे थे एक पंडित जी, तो ऐसा कह रहे थे दूसरे पंडित जी, तो ऐसा कह रहे थे समय सार में तो ऐसा लिखा है, प्रवचन सार में तो ऐसा लिखा है, पंडित टोडोमल जी का जो श्रोता है उसमें तो एक ही बस कमी है, वही यही बताता है कि यहाँ ऐसा लिखा वहाँ ऐसा लिखा, और वो बेचारे अपेक्षा बता बता कर के काम चलाते हैं। इसलिए कहते हैं एक तरह की झंझट निपटाओ ना, कि सब उस शास्त्र करने के अर्थ करने की पद्धति समझ लो। तो सौनगढ़ से एक किताब छपी थी आपने भी जनी पाटनी ने लिखी थी ना, शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, वो मोक्षमा प्रकाशक के ये सातवें अध्याय और आठवें अध्याय के आधार पर ही थी। टोडोमल जी ने दो अध्याय उसी के लिए लिख दिए कि पहले तुम अच्छी तरह से, मुझसे कोई पूछता कि मैं सबसे पहले क्या स्वाध्याय करूं, तो कहते हैं मोक्षमा प्रकाशक का सातवां आठवां अध्याय, मोक्षमा प्रकाशक भी नहीं कहता मैं, सातवां आठवां अध्याय बोलता हूं। क्यों? कि उन्होंने पहले ही उठा करके और पांचवा अध्याय उठा लिया है? और भाग्य से वो अजय नहीं हुआ तो फिर द्वारा छुए गए नहीं, छठवा अध्याय उठा लिया और बीस पंक्ति हुआ तो फिर कभी छुएगा ही नहीं। तो सातवां आठवां अध्याय पढ़ेगा तो जैन शास्त्रों के जो अर्थ करने की पद्धति है उसे ख्याल में आ जाएगी तो सब जगह सारा अर्थ सही कर लेगा। ये टोडोमल जी की ओरिजिनलिटी है, जो महावीर भगवान से लेकर टोडोमल जी के जमाने तक करीब 2200 वर्ष तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे, आचार्य टोडोमल जी ने भी तो शास्त्रों में से, आचार्य के शास्त्रों में से ही निकाली है, लेकिन उनका ये ध्यान गया कि सारे लोगों में इस तरह की का विकल्प है और उसे हमको गहराई से ये लोगों के सामने रखना चाहिए तो ये बातें उसकी समझ में आएंगी, अन्यथा उसकी समझ में नहीं आएंगी। देखो तो इन्होंने लिखा ना गुणस्थान नित्य अचेतन है, क्यों? ये पुद्गल कर्म के उदय से पैदा हुए हैं। अब वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है, कि आगम में लिखा है, और भेद विज्ञानियों को अंदर में उनसे भिन्न भगवान आत्मा अनुभव में आता है, ये उन्होंने ये अनुमान बताया है और ये प्रत्यक्ष भी समझ लो, तीन ही प्रमाण माने जाते हैं मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों उनने पेश किए। अब वो कहते हैं कि जैसे हमने गुणस्थान पर अथवा राग पर अथवा वर्ण पर घटित किया, आप ऐसी 29 गाथाएं बनाओ अथवा 29 बोल बनाओ। क्या? कि ये गुणस्थानों का नित्य चेतनत्व आगम से सिद्ध है, लिखा ना, तो इसमें लिखो राग का नित्य चेतनत्व आगम से सिद्ध है क्योंकि वे राग आदि भेद विज्ञानियों के चेतन स्वाभाविक आत्मा से सदैव भिन्न उपलब्ध होते हैं। बना सकते हो एक वाक्य से बदल के 29 भाव बनाओ, आचार्यों ने कई जगह बना बना करके बताए हैं और गुरुदेव ने तो बना बना के घटित करके बताए हैं, मैंने भी समय अनुशीलन में कई जगह ऐसे घटित घटित करके बताए हैं, जैसे उसमें आता ना राग आदि मेरे कुछ नहीं मैं एक गायक भाव हूँ, द्वेष आदि मेरे कुछ नहीं मैं एक गायक भाव हूँ, पुण्य आदि मेरे कुछ नहीं मैं एक गायक भाव हूँ, वर्ण आदि मेरे कुछ नहीं मैं एक गायक भाव हूँ। ऐसे अपन लगाओ मना बना सकते हैं, जरा थोड़ा विवेक लगाएं कि आचार्यों ने क्यों नहीं बना के बता दिए, कि थोड़ा तो काम तुम पे भी छोड़ा, उनके पास इतना समय कहाँ था, वे अपने आत्मा का कल्याण में जाते कि नहीं जाते, कि तुम्हारे ही लिए लगे रहते, कि उनके पास समय नहीं था तो हम क्या निठल्ले हैं जो ये लगाते बैठे, हमें कोई काम नहीं है। कहाँ नहीं है,
उन्हें जो काम था उसे छोड़कर वे इसमें नहीं लग सकते थे, और तुम जिस काम में उलझे हो उसे छोड़कर इसमें लगना, उसे छोड़ने के लिए इसमें लगना बहुत जरूरी है। करना क्या है? तुम्हारे पास काय के लिए समय नहीं है? क्या कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें समय नहीं है? यहाँ एक सही घटना है अपने विद्यालय की है, विद्यार्थियों को, पुराने विद्यार्थियों को मालूम होगी। एक आदमी विद्यार्थी अपने यहाँ भर्ती यहाँ आया था पढ़ने के लिए, और जब वो न्याय व्याकरण पढ़ाने पढ़ाई की बात आई ना, बोले हम इसके लिए आए हैं यहाँ, हमें नहीं पढ़ना, हम तो आत्मा समझने आए थे, आत्मा के लिए पढ़ने आए थे, चला गया। वहाँ जा करके फिर गुड़ की दुकान पर बैठ गया, वो गुड़ बेचने लग गया। तुमने क्या छोड़ के क्या किया ये बताओ। वहां तो एक साल न्याय व्याकरण थोड़ा पढ़ते और बाद में प्योर अध्यात्म पढ़ने के लिए ही तुम्हारा जीवन लगने वाला था, और जैसे जैसे विद्वान तैयार हुए हैं वैसे ही तुम भी तैयार होने वाले थे। तो यहाँ 4 दिन में ही एकदम उसे हे दिखने लगते हैं वो, जिनके लिए टोडामल जी जैसे महापंडित ने कहा कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य चाहिए, कहा कि नहीं कहा? और उसके बदले में जाकर क्या कर रहा है उसका उसे पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुम बैठ बैठ के लगाओ इनको, 129 गाथाएं बनाओ, जहां जहां है ना, जैसे जदि जीवो न शरीरम, तो ऐसे बनाओ जदि जीवो नारागादी। मतलब कहने का मतलब है जहां जहां ऐसे प्रसंग हैं वहां जितनी जितनी चीजें हैं उन सब पर घटित करो वे तर्क और युक्तियां लगा करके, क्योंकि हमें तो वही चिंतन करना है ना। देखो कहीं कहीं रिपीटिशन दोष होता है और कहीं कहीं रिपीटिशन गुण होता है। सिद्ध चक्र विधान की एक पंक्ति आती है, सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध भगवान के अनंत गुणों की चर्चा करनी थी। अब अनंत गुण तो किसी को आते नहीं हैं, तो उनको पहले दिन 8 गुण, दूसरे दिन 16 गुण, तीसरे दिन 32 गुण। अब ये समस्या खड़ी होगी 64 गुण कहाँ से लाएं, 128 गुण कहाँ से लाएं, 256 कहाँ से लाएं, क्यों 512 कहाँ से लाएं, क्यों थावरा जी क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, आप बताओ आप ला सकते हो तो। उन्होंने कह दी साधु सम सिद्ध अकम्प विराजे, तो 100 अरग साधुओं के, जब सिद्धों की पूजा आ रही साधुओं को क्या बोले आए बीच में, 100 अरग उपाध्यायों के, 100 आचार्यों के, क्योंकि सिद्धों के 500 हमारी बस की नहीं है। तो हमने पंच परवेष्टियों में कुछ सिद्ध बनने वालों को लगा करके ठोक दिए, क्यों? अब वही 8 जयमाला लिखने थी, अब उसमें वही वही बातें बार बार आवे। तो उन्होंने कहा अनंत गुण है तो रिपीटेशन क्यों करते हो, तो हमें नहीं आते तो फिर करते ही क्यों हो, मत करो। तो उन्होंने लगा बार बार थुति करण में नहीं पुनरुक्ति भणंत, बार बार स्तुति करने में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। ऐसे ही अध्यात्म में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता, ऐसे ही नवोकार मंत्र के जाप में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता, समझ गए ना। और आप एक उदाहरण आज दे दो समझाने के लिए, फिर वही कल दो, फिर वही परसों दो, फिर वही नरसों दो, तो फिर जनता उखड़ जाएगी, क्यों उखड़ जाएगी कि नहीं उखड़ जाएगी, कि नहीं ये नहीं चलेगा साहब, अगर हमारे समय की भी कोई कीमत है। लेकिन नवो कार्मन तो हमने रोजाना 9 दफे बुलवाया था, तो किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया था। अरे इतना विवेक हमें है कि क्या की पुनरुक्ति करना और किसकी पुनरुक्ति नहीं है, क्यों? मैं एक गायक भाव हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, जितनी बार इसकी पुनरुक्ति करो उतनी बार अच्छी है। ऐसे देखिए ज्ञान और ध्यान ये बिल्कुल एक दूसरे के सहयोगी हैं,
पहली दफे किसी चीज को जानना उसका नाम ज्ञान है, फिर दूसरे तीसरे समय में उसे लगातार जानते रहना उसका नाम ध्यान है। जानना वो ज्ञान है और जानते रहना वो ध्यान है। बोलो और ध्यान में क्या होता? आप कोशिश करते हो कभी कभी तो क्या करते हो कि भाई भाई एक आत्मा पहले जाना और बस उसी को जानते रहे, यही कोशिश करते हो ना, फिर उपयोग बाहर भटक जाता है तो फिर लाला के कोशिश करते हो। अब देखिए, ज्ञान में पुनरुक्ति दोष है और ध्यान में पुनरुक्ति गुण है। अरे पुनरुक्ति तो ध्यान में गुण नहीं, स्वरूप है। और वही की वही बात कल कही थी, वही आज कहूं, वही फिर कल कहूं तो आप नाराज हो जाएंगे। ज्ञान, देखिए ज्ञान और ध्यान एक ही चीज है ना, मुक्ति के मार्ग में दोनों का स्थान है क्या नहीं? समर्थन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, चारित्र माने ध्यान। अब एक में पुनरुक्ति दोष है और एक में पुनरुक्ति गुण है, अब विवेक से काम करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये रागादि भाव जीव नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। तरही को जीवा इति चेत, गाथाएं तो खत्म हो गई, फिर भी उन्होंने एक प्रश्न किया कि अब तुम बताओ कि जीव क्या है। आचार्य अमृतचंद ने खुद टीका में, क्योंकि वो खुद जीव का स्वरूप एक दफे फिर बताना चाहते हैं सबको, यद्यपि 49वीं गाथा में बताया है ना, अनाद्यनंत मचलम ससंवेद्य में दुस्फुटम जीवा स्वयं तु चैतन्य मुच्चकायते स्वानुभूति में जो प्रकट अचर अनादि अनंत। स्वयं जीव चेतन्य जगमगात अत्यंत, ये जगमगा रहा है एकदम, चैतन्य उच्चई चकचकाए थे, ये बहुत मरम है इसमें। चैतन्य तो चैतन्य है ही आत्मा, उच्चई चकचकाए थे एकदम चकाचक, अपन बोलते चकाचक सूट, एकदम चकाचौंध हो रही है, चकाचक हो रहा है एकदम उच्च रूप में, ऐसा भगवान आत्मा एकदम सूर्य जैसा आकाश में चकचका रहा है, दिखाई दे रहा है, अत्यंत प्रकाशमान वस्तु है। वो कहते हुए तो गुप्त है, क्योंकि दिखाई नहीं देती, रहस्य नहीं जाता है, समझ में नहीं आता है, क्यों जगमगात अत्यंत, वो अत्यंत जगमगा रहा है भगवान आत्मा, तो कि हमें दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करें, क्यों हमें तो दिखाई नहीं देता है, हमने तो बहुत खोज कोशिश की, आंखें फाड़ फाड़ के देखा, कि वो आंखें फाड़ फाड़ के देखने की चीज नहीं है ना, वो आंखें बंद करके देखने की चीज है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, भर्तरी ने कहा है आपको तो सुना दूं, कि नोलू को अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् पत्रम नैव यदा करीत बिटपे दोषो बसंतस्य किं। क्या अर्थ है इसका? उल्लू को यदि दिन में दिखाई भी देता है, इसमें सूरज की क्या गलती है? क्या बिल्कुल इन्हीं शब्दों में लिखा है, नो लू को, उल्लू को माने उल्लू, नो लू को अवलोक्यते, दिखाई नहीं देता है, क्या दिवा माने दिन में, सूर्य दिन में 12 बजे दिखाई नहीं देता है उल्लू को, तो इसमें सूरज की क्या गलती है? ये तो उल्लू की गलती है ना, क्यों ऐसे ही पत्रम नहीं यदा किरीट बिट पे दोषो बसंतस्य किम। एक करील नाम का वृक्ष होता है, ये मथुरा वृंदावन में होता है, देखा ना, जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, ना फल लगते हैं ना फूल लगते हैं, बस कांटे ही कांटे होते हैं। कहते बसंत ऋतु आती है और उसमें पत्ते नहीं उग लगते हैं, क्रीट नाम के बिटप में यदि पत्ते नहीं लगते हैं तो बसंतस्य किम दोषम, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? कहां लिखा, कहीं पढ़ा है ये क्रीट बिटप के बारे में कि उसमें पत्ते नहीं होते? क्यों कमल चंदी पढ़ा?
रसखान को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोट के ही कल धौत को धाम करी लेकी कुंजन ऊपर बारों या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारों। ये संबंध भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब ये संबंध भावना क्या, उसका उत्कृष्ट उदाहरण क्या, बहुत मुश्किल है। माने हमें जिससे प्यार होता है उसका जिस चीज से संबंध रहा हो हम उससे भी ज्यादा प्यार उससे कहते हैं। गुरुदेव के चश्मे को हम संभाल के रखते हैं ना, क्यों? जितना गुरुदेव को नहीं संभाला उतना गुरुदेव के चश्मे को संभाल के रखते हैं, उनके चदरा को संभाल के रखते हैं। जो शास्त्र को पढ़ते थे जिनने निशान लगाया उन्हें संभाल के रखते हैं ना। तो ये उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा और भक्ति है उसकी बोली लगाएं गुरुदेव की चश्मा की तो लाखों में बिक जाए, होता कि नहीं होता? इसे बोलते संबंध भावना। श्री कृष्ण ने जिस कंबल को ओढ़ते थे, जिस करील की कुंजों में उस वो जब रहते थे ना नंद बाबा के यहाँ, तो जंगल में खेलते थे तो वहां तो बेई पेड़ थे तो उनके अंदर जाके छुपते थे खेल खेल में। तो वो रसखान कभी कहता है कोटिक हु कल धौत के धाम सैकड़ों सोने के राजमहल करील की कुंजन ऊपर बारों, उन करील की कुंजों के ऊपर निछावर कर सकता हूं। कोई कहेगा ये सोने का राजमहल है, बोलो तुम्हें ये चाहिए कि ये करील के कुंज है, कहां रहोगे बोलो? कि मैं करील के कुंज में रहना पसंद करूंगा, इस सोने के राजमहल में रहना। कोट के हु कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों और या लटुकी अरु कामरिया पर और राज तिहूं पुर को रज डार। जब जंगल में गाय चराने जाते थे ना श्री कृष्ण भगवान, तो एक हाथ में लकड़ी लिए रहते थे और कंधे पे कंबल। तो कोई कहे कि तीन लोक का राज्य तुम्हें दे रहे, छह खंड का नहीं, तीन लोक का राज्य। और एक तरफ है वो लटकी, वो लकड़ी और वो कंबल, बोलो क्या चाहिए दो में से एक? क्या? एक तरफ राम, एक तरफ गांव, एक तरफ मैं अकेला, एक तरफ सारी सेना सहित कौरव, क्या चाहिए? तो वो कहता है कभी क्या, इस लकड़ी और कंबल पर मैं तीन लोक के राज्य को ठुकरा सकता हूं। तीन लोक का राजा मुझे नहीं बनना है, बस ये लकड़ी दे दो, ये कंबल दे दो और कुंज की करील के कुंजों में जाके रहूंगा, बस ये लकड़ी के साथ में और कंबल और वहां रहूंगा और मुझे सोने के राजमहल नहीं चाहिए। क्यों? कि ये श्री कृष्ण के समागम का लाभ इन्हें मिला था। इसे बोलते संबंध भावना। क्या? इसलिए कहते हैं कि भाई ये आत्मा, भगवान आत्मा तो ऐसा चकचकायमान है, सारे ज्ञानियों को दिखाई देता है। वो आता है गाथा में, हमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हमारे अनुभव में नित्य आ रहा है और अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता है, तो इसमें आत्मा का क्या दोष है? तो वो आत्मा छुपा है, सूक्ष्म है, बारीक है और उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो दिखाई दे, हम क्या करें? हम उसे दोष देते हैं कि भैया उसे दोष नहीं है, तेरी दृष्टि की कमजोरी है, तेरे में सर्वस्व समर्पण आत्मा के देखने के लिए जैसा सर्वस्व समर्पण चाहिए, समझे ना, आत्मा के दर्शन के लिए जैसा सर्वस्व समर्पण चाहिए तैसा सर्वस्व समर्पण तेरे में नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा के दर्शन तेरे को नहीं होते हैं, तू कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाता है, सब जगह से उलझे नहीं, इसलिए हम तो एक कहते हैं कि एक तरफ सारा जगत, एक तरफ भगवान आत्मा, इसलिए हमने गुण स्थान को, मायणा स्थान को, जो कुछ भी है उन सब को अचेतन में, पुद्गल में, जड़ में सब डाल दिया और एक चैतन्य भगवान आत्मा अनादि अनंत और अचल तीन विशेषण दिए हैं। माने अनादि क्यों? क्योंकि इनका जन्म नहीं हुआ, अनादि का जन्म नहीं होता, जन्म जिसका होता वो अनादि नहीं होता,
अनंत क्यों? क्योंकि इसका मरण नहीं होगा। अचल क्यों? क्योंकि अनंत गुणात्मक है, ये कभी कुछ गुण कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अचल का मतलब ऐसा ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं। कौन अचल माने क्या है बोलो संजीव? जीवो ही तावत कृमि नैमात परिणाम ऋतुपद मानो जीवा ये, इसका नाम है अचल। इसका नाम अचल क्यों है? कृमि नियमित अपने जो अनंत परिणमन है, एक समय भी बिना बदले नहीं रहेगा आत्मा, फिर भी रंच मात्र भी नहीं बदलेगा, इसका नाम है अचल। एक मिनट बदले बिना रहा नहीं, और फिर भी जीव से अजीव कभी हुआ नहीं, इसका नाम है अचल। माने अपने स्वभाव से कभी चलायमान नहीं होगा। कब से है कि कब के है, क्या सवाल है? अनादि है, अनंत है, अचल है। ऐसा ये आत्मा कैसे मालूम पड़ रहा है? स्वानुभूति से जो प्रकट, इस स्वानुभूति में प्रकट होने वाला है। क्यों? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, कहां मिलता है? आत्मानुभूति में तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूं, यही तो है वो आत्म स्वसंवेद्य मिदम स्फुटम, वो स्वसंवेद्य तत्व है, वो आत्मानुभूति में प्राप्त होता है, वो कहीं बाहर प्राप्त नहीं होने वाला है, है ना? वो अपने में प्राप्त होता है। तो इसका इनका भी लक्षण बना है ना, चैतन्य लक्षण, अभी आएगी इसमें बात आएगी, अपन चर्चा विस्तार से करेंगे, अभी तो समय नहीं है। आगे आया ना कल, अभी अभी आपने पढ़ा था कि नहीं? ये लक्षण है अव्याप्ति से रहत, अतिव्याप्ति से रहत, वो कलश आने वाला है, उस कलश में वो सब बात आएगी कि वो भगवान आत्मा में का क्या लक्षण है, क्या उपयोग लक्षण है। तो सत लक्षण क्यों नहीं है? सत भी तो है ना आत्मा में, कि सत लक्षण जो है वो आत्मा आत्मद्रव्य का है। क्या? उससे आत्मा का द्रव्यत्व पहचाना जाता है ना? आत्मा नहीं पहचाना जाता है, आत्मा का अस्तित्व पहचाना जाता है। असत माने अस्तित्व, तो अस्तित्व से द्रव्यत्व पहचाना जाता है, और उपयोग महत्व से चेतनत्व पहचाना जाता है। सच्चिदानंद, तीन बात बोलते हैं ना भगवान, सच्चिदानंद। तो सत माने है द्रव्यत्व, चित माने आत्मत्व, और आनंद माने, ये आनंद काय को डाला है? सत तो असत से भिन्न करता है, और चित अजीव द्रव्यों से भिन्न करता है, और आनंद पर जीवों से भिन्न करता है। फिर ध्यान से सुनो, फिर क्या क्या, तो फिर सुनो। सत गधे के सींग से भिन्न करता है, आकाश के फूल से भिन्न करता है, चित्त अचेतन द्रव्यों से भिन्न करता है, लेकिन चेतन द्रव्यों से भिन्न नहीं करता है, क्योंकि चित्त तो मैं भी हूं और तुम भी हो। वो द्रव्य का लक्षण है, और ये उपयोग किसका लक्षण है? जीव का, और जीव मैं ही थोड़ी हूं, तुम भी तो हो, मेरे को तुमसे भिन्न नहीं करता। लेकिन जो आनंद है, आनंद की अनुभूति मेरी, मेरे में तुम्हारी तुम में, तो वो पर जीव से भी भिन्न करके सच्चिदानंद अपने आत्मा में लाने के लिए, अथवा आनंद की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वे सुख चाहें और दुखते भयवंत, इसलिए तीन चीजें उनने पकड़ी। सत द्रव्यत्व चाहिए, उसका अस्थि होनी चाहिए, चित्त स्वभाव आए भाव आए, और फिर के स्वानुभूत्या चकास्ते, के स्वानुभूति में वो प्रकाशित होता है। जगमगात अत्यंत, वो चैतन्य सूर भगवान आत्मान तो जगमगा रहा है, वो अनुभूति में दिखाई देगा, वो तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर दिखाई नहीं देगा। ऐसा भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं। Yeah.